हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक और बहुत सुंदर फैब्रिक पेंटिंग का डिज़ाइन। मटेरियल रिक्वायर्ड अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं ड्राइंग स्टार्ट। बहुत ही सिंपल और इजी ड्राइंग है, बहुत आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। मैंने इस पेंटिंग में तीन डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स बनाए हैं, मैं तीनों की ड्राइंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्राइंग मैं पेपर पे बना के शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ कपड़े के ऊपर मैं बहुत लाइट ड्रॉ करूँगी तो वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये मेरा दूसरा फ्लावर है और ये अब मैं आपको थर्ड फ्लावर की ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ। तो चलिए करते हैं हम हमारी कलरिंग स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 2 नंबर का फ्लैट ब्रश और गोल्डन येलो कलर, और आप देख सकते हैं मैं कैसे उसकी हेल्प से हमारे फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें शेडिंग दे रही हूँ। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम हमारे फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट में भी शेडिंग दे देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। गोल्डन येलो कलर से शेडिंग देने के बाद हम लेंगे ऑरेंज कलर और हम देखिए कैसे नीचे की साइड से ऑरेंज कलर से गोल्डन येलो कलर के अंदर शेडिंग दे देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं ये कैसे कर रही हूँ। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट में भी दे देंगे। जब हम ऑरेंज की शेडिंग देंगे तो हम एक या दो पेटल्स में ऑरेंज को कंप्लीट शेडिंग दे देंगे, हाफ पोर्शन में नहीं देंगे। अब मैंने यूज़ किया है क्रिम्जन रेड और देख सकते हैं उससे मैं कैसे एग्जैक्टली जैसे ऑरेंज किया था वैसे ही मैं क्रिम्जन रेड से कर रही हूँ। और जिस पेटल में मैंने ऑरेंज कलर से कंप्लीट शेडिंग दी थी मैं रेड की भी उसी रेड से भी उसी पेटल में शेडिंग दे दूंगी। अब मैंने लिया है मरून कलर लेते हुए ध्यान रखिएगा कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपके ब्रश पे ना हो, वरना आपके बाकी सारे कलर्स जो हमने नीचे शेडिंग दिए हैं वो नहीं दिखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं ब्रश को एकदम लाइट चला रही हूँ, एकदम स्लो और आराम से कर रही हूँ ताकि हमारा जो ऑरेंज है और जो हमारा रेड है उसकी शेडिंग दिखाई दे। मरून कलर थोड़ा डार्क होता है तो वो हमारे बाकी कलर्स को छुपा सकता है। चलिए करते हैं अब हमारा दूसरा फ्लावर। इसके लिए भी मैंने गोल्डन येलो कलर लिया है और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं मैं कैसे उससे कलर फिल कर रही हूँ। अब एग्जैक्टली सेम तरीके से ऑरेंज की फिलिंग करेंगे, क्रिम्जन रेड की फिलिंग करेंगे और वैसे जैसे पहले किया था वैसे ही हम मरून कलर से शेडिंग दे देंगे। जो ऊपर वाले पेटल्स हैं उसमें हम पहले पूरा लेमन येलो से शेडिंग दे देंगे। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फ्लावर बनाते वक्त उसमें एक शेप बनाई थी, अब मैं अपने ऑरेंज कलर की हेल्प से वो शेप बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कैसे स्क्रीन पे वो शेप बना रही हूँ और बाकी जो अंदर का एरिया है उसमें मैं ऑरेंज कलर से शेडिंग दे रही हूँ। शेडिंग देने की टेक्निक वही है जो हमने पहले फ्लावर्स में यूज़ करी थी एग्जैक्टली, लेकिन हम इसमें पूरे के पूरे पेटल को फिल कर रहे हैं। बीच वाला पेटल एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जो हमने पहले वाले फ्लावर में किया है। ऑरेंज कलर से शेडिंग देने के बाद एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग अपना क्रिम्जन रेड शेड लेंगे और उससे शेडिंग दे देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे जो पहले वाले बाहर वाले दो पेटल्स हैं उसमें पूरे के पूरे पेटल में हमने शेडिंग देनी है और जो अंदर पेटल है उसमें हमने हाफ पेटल में शेडिंग देनी है। अब हमने देनी है मरून कलर से शेडिंग। ये आप ध्यान देखेंगे देना कि ऊपर से शेडिंग देना और नीचे से शेडिंग देना, बट बीच में शेडिंग मत देना अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं लूँगी 000 ब्रश और उसकी हेल्प से मैं अपने स्टेम्स बना लूँगी और मैं अपने लीव्स भी बना लूँगी। मैं हमेशा लीव्स और स्टेम्स फ्री हैंड बनाती हूँ, आप चाहें तो ड्रॉ करके बना लें। बर्ड्स बनाने के लिए आप अपनी स्टेम्स के साथ ही और लीव्स के साथ ऐसे छोटे छोटे से बना लें। अपने फ्लावर्स के नीचे ऐसे छोटे छोटे से और पतले पतले से सेपल्स बना लें। मैंने जो अपना फ्री हैंड डिज़ाइन 000 ब्रश से बनाया था अब उसमें जो लीव्स थे उनको मैं 2 नंबर के फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा शेप दे दूंगी और मोटा कर दूंगी। अब थोड़ा सा लेमन येलो कलर ले लें और हमारे जो लीव्स हैं उसमें उसकी शेडिंग दे दें। बहुत ज़्यादा लेमन येलो कलर फिल नहीं करना है, बस हल्का सा टच करके शेडिंग देनी है। अब आप ऑरेंज कलर ले लें और 2 नंबर के राउंड ब्रश से छोटे छोटे से बर्ड्स बना लें जो हमने पहले बनाया था ना ग्रीन कलर से उसमें। अब मैंने 2 नंबर का राउंड ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लूँगी। ये मैं रैंडमली फ्री हैंड कहीं पर भी जहाँ पर मुझे जगह दिखेगी वहाँ बना लूँगी। और अब मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम लेंगे 000 ब्रश और ब्लैक कलर। ये स्टेप बहुत ध्यान से करेंगे। इस स्टेप से हमने जो हमारे फ्लावर में शेप है वो देनी है।
देखिए जो नीचे वाले पेटल्स हैं ना, उसमें देखिए आप थोड़ा सा शेप ऊपर नीचे हो गया है जब हम कलरिंग करते हैं उस टाइम। तो अब इस ब्लैक कलर 000 ब्रश की हेल्प से मैं हमारे नीचे वाले पेटल्स को प्रॉपर शेप दे दूंगी, ताकि जो हमारे फ्लावर है उसकी एकदम से लुक खिल के आएगी। आपने ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत आराम से करें तो आपका जो फ्लावर है वो एकदम बहुत सुंदर दिखाई देने लगेगा। अब जो हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उसमें एक एक ब्लैक डॉट लगा लें सेंटर में, और ब्राउन कलर लेके उनकी पतली पतली सी स्टेम्स बना दें, और हमारा डिज़ाइन अब बनके रेडी हो जाएगा। और ये देखिए ये कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। 24 घंटे रखने के बाद इसको बैक साइड पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैंने इस पिलो कवर्स के साथ बेडशीट भी बनाई है, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।